శివసేన ఎంపీ రవీంద్ర గైక్వాడ్ మరోసారి ఎయిర్ ఇండియా అధికారిపై నోరు పారేసుకున్నారు. పార్టీ చీఫ్ ఉద్దవ్ ఠాక్రేను కలవడానికి వచ్చిన గైక్వాడ్ తనతో గొడవ పడ్డ ఎయిర్ ఇండియా అధికారి శివకుమార్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. అతడు పిచ్చివాడని వ్యాఖ్యానించారు. గొడవలకు సంబంధించి గతంలో అతనిపై 8 కేసులున్నాయన్నారు గైక్వాడ్. ఈ విషయంలో అధికారికి క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తి లేదని చెప్పారు గైక్వాడ్. वो बोले इतना मारा है तो जब भी स्ट्राइक करते थे ना वर्कर काम से निकल जाते थे ना, कुछ हुआ ही नहीं. जो हुआ है उनका गलती हुआ था, हमारा गलती क्या था? 45 मिनट उनको समझा रहा था मैं सबको. अभी क्योंकि मुंबई बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल. अरे उसका क्या माफी मांगने की जरूरत है? गलती उसका, मैं माफी मांगूंगा. माफी तो सदर की मांगी है. अगर मेरे ये बर्ताव से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और मांगी है सदन की, देश की जनता की माफी मांगी है. मेरे ये इसमें सही हो या गलत हो, जनता भी हार्ट हुई तो माफी मांगी है. ये मेरे साथ मेरे नाम से 7 टिकट बुक हो गए. कैसा बुक होता है? कौन बुक कर रहा है? मैंने तो किया नहीं. इसका भी टिकट कौन भी बुक नहीं करना. इसके लिए मैंने सदन में मांग की है कि अगर एयर इंडिया में या कोई भी एयर एजेंसी में टिकट बुक करना है तो हमारा आधार कार्ड लो, हमारा आईडी प्रूफ लो तो बुक करो. दिखाओ मेरे साथ के ऊपर, इसके बाद में तो वो कानून लाओ. और अभी सदन में और मैंने मांग की है 4-8 दिन में वो कानून आएगा. नहीं तो होता कैसा था कि बुक करने का किसका तो आइडेंटिटी.